नाम बोल्ट है। हाल ही में हुई एक नीलामी में एक चीनी कारोबारी ने इस कबूतर को 2 करोड़ रुपए की चौंका देने वाली कीमत पर खरीदा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इसमें, तो जानते हैं इसके कुछ खास बातों को जो इसको इतना महंगा बनाते हैं। इस कबूतर का नाम है बोल्ट। बोल्ट के नए मालिक इसका इस्तेमाल अन्य कबूतरों के प्रजनन में करेंगे। बेल्जियम के लियो हरमंस जो कबूतर के शौकीन हैं, कबूतर पालने के अपने शौक की वजह से बहुत शोहरत पा चुके हैं। बोल्ट की परवरिश लियो हरमंस ने ही की है। इसी नीलामी में उन्होंने अपना पूरा कलेक्शन बेच दिया। इस कबूतर का नाम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और दुनिया के सबसे तेज धावकों में शुमार किए जाने वाले बोल्ट के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये कबूतर बहुत तेज दौड़ता भी है। लियो हरमंस के इस कलेक्शन में कुछ अलग अलग कुल 530 पक्षी थे जिन्हें इस नीलामी में बेचा गया। हरमंस को अपने इस खजाने के लिए 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम मिली। इससे पहले साल 2011 में हुई ऐसी ही एक नीलामी में दौड़ने में माहिर एक कबूतर की कीमत 13 लाख रुपए लगाई गई थी और पूरे 30 करोड़ रुपए से सिर्फ अकेले इस कबूतर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। यानी इतना महंगा ये दुनिया का पहला 2 करोड़ रुपए का कबूतर है।